ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। क्या गणपत और अमिताभ में पैदा होंगी गलत फहमियां? क्या पैसों का लालच ले डूबेगा गणपत को? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो अब गणपत की गाड़ी धीरे धीरे करके ट्रैक पर लाने के लिए प्रीति यानी जस्सी उसे इंग्लिश का ज्ञान दे रही है और उसकी भाषा सुधारने की कोशिश कर रही है। अब जस्सी का पिता, जो गणपत के पिता की मौत का जिम्मेदार है, उसे जस्सी और गणपत की बॉन्डिंग देख कर यकीन होता है कि वो इस चीज का फायदा जरूर उठा सकता है। साथ ही गणपत की बॉक्सिंग कोच अमिताभ बच्चन के साथ कुछ खास जमती नहीं है, ये बात भी उसे पता होती है। एक दिन जस्सी के पिता गणपत को प्रैक्टिस के बाद मिलने के लिए बुलाते हैं। गणपत वहां पर पहुंच जाता है। वहां का माहौल देखकर, इतने बड़े सूट बूट पहनने वाले लोगों को देखकर, महंगी गाड़ियां देखकर गणपत के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका पैसों का लालच जाग जाता है और वो जस्सी के पापा को पता है। जस्सी के पापा उसे कहते हैं कि आओ गणपत, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारियां? गणपत कहता है बढ़िया। फिर धीरे धीरे करके उसे ड्रिंक ऑफर की जाती है। गणपत कहता है नहीं, मेरे कोच ने मुझे कहा है कि ड्रिंक वगैरह नहीं करना है। फिर जस्सी के पिता कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना, तुम्हें कोच से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वैसे तुम्हारा कोच मेरा दोस्त है, काफी अच्छा है वो, पर उसके रूल्स की वजह से कई लोग यहाँ से भाग जाते हैं। कई स्टूडेंट्स ने तो कंप्लेन भी की थी, पर तुम ऐसा कुछ मत करना। फिर गणपत कहता है कि ऐसा क्या किया उन्होंने, दिखने में तो सज्जन लगता है। तो जस्सी के पिता कहते हैं कुछ खास नहीं, तुम जैसा एक बंदा यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने आया था, पर बेचारा तंग आकर चला गया। और साथ ही अमिताभ पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे, यही कुछ पैसों का मामला था। देखो, अगर तुम्हें वो कोच के तौर पर पसंद नहीं है और नहीं चाहिए तो मुझे बता देना, वरना तुम फंस जाओगे। फिर गणपत सोच में पड़ जाता है कि जो कोच उसे पैसे मांगने से रोकता है, वो कुछ पैसे कैसे खा सकता है। और उसका ये चेहरा देखकर जस्सी के पिता काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो अमिताभ और उसके बीच गलत फहमियां पैदा करनी है। फिर वो कहता है देखो गणपत, अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे पैसे बढ़ाऊंगा, बस तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, फिर चाहे तुम्हें अमिताभ के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। हाँ, पर ये बात ध्यान रखना कि अमिताभ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बोलो डील? फिर गणपत का लालच जाग जाता है और वो कहता है ठीक है, पैसा मिलेगा तो कुछ भी करूंगा, और वो चला जाता है। वहां से निकलने के बाद उसे अमिताभ मिलते हैं और ये कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गणपत कहता है सर, ये बॉक्सिंग का टाइम नहीं है, ये मेरा फ्री टाइम है। फिर अमिताभ जस्सी के पिता से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा था? जस्सी के पिता कहते हैं कुछ नहीं, मैंने उसे बस रिलैक्स होने के लिए बुलाया था, पर उसे तो मैनर्स ही नहीं है, यहाँ पर बदतमीजी कर रहा था और मुझसे पैसे बढ़ाने की मांग कर रहा था। अमिताभ सोच में पड़ते हैं कि कहीं वो गलत बंदे को तो नहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर अमिताभ को जल्दी होती है उसके अतीत के बारे में पता लगाने की, इसलिए वो बस्ती में जाने का फैसला करते हैं। अमिताभ के ना होने का फायदा उठाकर जस्सी के पिता एक पार्टी अरेंज करते हैं और गणपत को बुलाते हैं। एक कमरे में एक ड्रग रैकेट को चलाने वाले जस्सी के पिता के कुछ पुराने साथी वहां पर आते हैं और एक कमरे में उनकी मीटिंग चल रही होती है। जस्सी के पिता गणपत को उनसे मिलवाने आते हैं और ऐसा नाटक रचाते हैं जिससे यही लगे कि गणपत उन लोगों से हाथ मिला रहा है जो ड्रग रैकेट चला रहे हैं। फिर जस्सी के पिता बीच में से उठकर चले जाते हैं और अपने एक साथी को गणपत के उन लोगों के साथ फोटो खींचने के लिए कहते हैं, ताकि आगे जाकर वो गणपत को ब्लैकमेल कर सके और उसे फंसा सके। पर इस बात की गणपत को भनक भी नहीं है। तो देखते हैं कि गणपत की ये बेवकूफी उसे किस तरह ले डूबती है और क्या अमिताभ उसे इससे बचा पाएंगे या फिर नहीं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।